वगैरह भी जो एकदम बढ़िया से हो गया, स्थायीकरण वगैरह भी हो गया। पूर्व में वक्ता ने ये बात बोली थी कि संगठन से हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, तो ये चीज सोचने की जरूरत ही नहीं, संगठन हमें वो सब कुछ देता है। सदियों से हमको अपनी फूलों ने मार डाला, सदियों से हमको अपनी फूलों ने मार डाला। कांटों से बची गए थे हम, कांटों से बची गए थे हम, फूलों ने मार डाला। कांटों से बची गए थे हम, फूलों ने मार डाला। सदियों से हमको अपनी, हम किसको दे बुराई गर ही हमें तो अपने, हम किसको दे बुराई गर ही हमें तो अपने। हम इस उदारता के, हम इस उदारता के उसूलों ने मार डाला। हम इस उदारता के उसूलों ने मार डाला। सदियों से हमको अपनी फूलों ने मार डाला। सदियों से हमको साथियों, चुनाव चुनाव कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा? कहने के लिए तो सभी लोग कहते मैं चुनाव लड़ूंगा, ये कर लूंगा। अध्यक्ष जी की देन है, अध्यक्ष जी की देन है कि 70% नेता आपके यहाँ पे है, 70% नेता है भाई। चीज की तो चीज मानी कुछ अपने से हो रहा है, लेकिन 70% नेता जो भी मेरे तक ज्ञानता में है वह 70% देव है कि अध्यक्ष जी हमारे उनको अब पैदा कर। हेलो, आज ये बैठक चल रही है, इसका उद्देश्य क्या है? आज मिनिस्टर एसोसिएशन डिपार्टमेंट की त्रिमासिक बैठक है, इसको लेके इसमें 5 बिंदुओं को लेकर आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, जिसमें एक मुख्य बिंदु है कि हमारी जो पदस्थापनाएं 3 साल से नहीं हुई, पदस्थापनाएं की जाएं, वरिष्ठा सूची जो जारी नहीं वरिष्ठा सूची की जाए, और जो विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, एक जालसाज और भ्रष्टाचार भ्रष्ट कर्मचारी रामलाल यादव, इसके द्वारा मिनिस्टर एसोसिएशन पैड के दुरुपयोग किया जा रहा है और जेल अवधि का मेडिकल ले रखा है, उसकी जाँच रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है, लेकिन विभाग के भ्रष्ट अभियंताओं को संरक्षण प्राप्त करके उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही। इन सब बिंदुओं को लेकर आज हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, और बनारस की जो घटना है वो जबरदस्ती उसको तूल दिया जा रहा है, उसको वहीं समाप्त करने के लिए भी आज यहाँ पे बैठक में बात चल रही है। अगर इन सब बिंदुओं में बात नहीं बनती है तो एक प्रदेश में जोरदार आंदोलन के लोग तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले भी आपने कई बैठक करवाई है, उसका क्या निष्कर्ष निकला? नहीं, विभाग में लगातार हमारे तो हर 3 महीने में त्रिमासिक बैठक चलती रहती है और लगातार आंदोलन कार्यक्रम चलते रहते हैं, और लेकिन जिस प्रकार सर हमारे माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, लेकिन हम आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम से उनको बताना चाहेंगे, सिंचाई विभाग में भ्रष्ट अभियंताओं का एक गैंग बन चुका है, वो सिर्फ और सिर्फ लूट के अलावा उनके पास कोई और धंधा नहीं बचा है, जिसको समय आने पर उजागर किया जाएगा। आगे क्या रहेगा रणनीति? रणनीति आज तय होगी, अभी वही मीटिंग में अभी तय होना जा रही है, पहले जिले स्तर में कार्यक्रम होंगे, फिर प्रदेश स्तर में प्रमुखता कार्यालय घिराव भी किया जाएगा।